नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। और दिल से हमेशा ये दुआ करती हूँ जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत ही अच्छे रहे, किसी को किसी का बुरी नज़र ना लगे और सभी के लाइफ में सक्सेस आती जाए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखे होंगे, यानी कल का वीडियो। तो परसों के दिन तो मेरी वीडियो आई नहीं थी क्योंकि मुझे जो है चारों तरफ से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। और ख़ास करके जो लोग सिंगल मॉम होती है उनका लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और मॉम की तुलना में, वो इसलिए क्योंकि उनको हर दिन एक नए चैलेंज की शुरुआत करनी पड़ती है और नए चैलेंज से शुरुआत होकर कभी चैलेंज ख़त्म हो जाती है तो कभी उसी चैलेंज के अंदर ही दूसरा चैलेंज स्टार्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। क्योंकि अकेले इंसान को घर बाहर दुनिया समाज हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, उसके ऊपर से जो एक्स हस्बैंड होते हैं वो टॉर्चर करने में कभी पीछे नहीं रहता है, वो चाहता है किसी भी तरह से उस इंसान को तोड़ा जाए। मेरे पति के लिए मैं कौन से शब्द का यूज़ करूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि उनके लिए कौन सा लफ्ज़ सही होगा कहना। आज करीब इतने दिन हो चुका है, अगर आप लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे जो भी मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो मेरा बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट था मैं एक कपड़ों में 15 से 20 दिन तक रही और मैं अकेली हॉस्पिटल में बच्चों को छोड़ छोड़ के सारा काम करती रही, मेडिसिन खाना जो भी है सब कुछ करती रही। और जब एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो पीछे से क्या काम होती है वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। और जो लोग सिंगल मॉम है मेरी तरह, जिनको मतलब बच्चे को संभालने तक के लिए कोई भी नहीं है, तो उनको पता होगा लाइफ कितना स्ट्रगल भरी होती है। कल मेरे पति का फ़ोन आया था तो उन्होंने कई सारे शिकायत की मुझसे जो कि उनकी तरफ से था, और मेरी तरफ से उस शिकायत का मतलब जीरो था। जीरो इसलिए था क्योंकि मैं उस चीज़ को छोड़ चुकी हूँ। और कहते हैं ना, जब इंसान ताकत से नहीं हरा सकता किसी भी इंसान को तो उसे दिमाग का यूज़ करना चाहिए। कोई इंसान किसी भी तरह से नहीं समझ में आता है तो उसे मन से मतलब मन की शक्ति से काम लेना चाहिए इंसान को। तो मैं कोशिश फिलहाल वही कर रही हूँ कि मैं दिमाग से काम लूँ और मन की जो ताकत है उसी से काम लेकर आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैंने उस इंसान की हर ख्वाहिश हर बातें हर तरह से पूरी करके देख लिया। मैं उसके आगे एक कठपुतली से भी मतलब बेकार थी। उन्होंने मुझे इस तरह से नचाया कि मैं नाचती गई और आज भी वो मुझे नचाना चाह रहा है, तो ये तो संभव नहीं हो सकता ना। क्योंकि पहले की बात और थी, जब एक इंसान को आप मरने के लिए छोड़ देते हो दो बच्चों के साथ में, आप लोग अगर मेरी बहुत पुराने वीडियो में ओल्ड वीडियो में जाकर देखेंगे ना, तो एक दो वीडियो में मेरा पति भले ही होंगे लेकिन उसके बाद में से मेरा बच्चा कितना छोटा था, 12-13 महीने का मेरा बेटा था छोटू, तब वो मुझे छोड़ के गए हैं। और हर वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, मेरे साथ बच्चा होते हुए भी मैं किस तरह सड़कों पर रात काटी हूँ, किस तरह मैं सड़कों पर बच्चों को खाना खिलाई हूँ और किस तरह मैं दोनों बच्चों को ऑटो में ले जाती थी थाने में कोर्ट कचहरी में, वो बात मैं कैसे भूल जाऊँ। आज मेरा बेटे का पढ़ाई का बोर्ड चेंज हुआ है, यानी कि CBSE बोर्ड से हिंदी मीडियम में हुआ है, तो मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मैंने क्या चाहा था और किस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ उस पर भी मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरे मन में बहुत सारी ऐसे उलझने हैं जो मुझे खुद को ये कहती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, और उसके बावजूद भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं उस चीज़ को सही करूं। तो फिर मैं उस इंसान की वजह से जो ये सब कुछ हो रहा है मैं उसे कैसे माफ़ कर दूं? वो इंसान फ़ोन करके ये कहता है डायरेक्ट कि मैं घर आना चाहता हूं। क्यों भाई, घर क्यों आना चाहता है? कौन है यहाँ पे तू घर आना चाहता है? और किसका घर है, तेरा है क्या घर? मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, वीडियो बना बना के बता चुकी हूँ, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। घर तेरा है क्या और किसके घर आना चाहते हैं? जब इंसान एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो साल भर बाद, 2 साल बाद है ना, उनसे हमदर्दी नहीं दिखाते, खास करके तब जब तुम्हें बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तुमने संभाला, नहीं संभाला, उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाती थी, नहीं तो अगर मैं दुनिया को दिखाती तो कम से कम मेंटली और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी। 9-9 महीने मैं प्रेग्नेंट रही, 3 बच्ची हुए मेरे, ये इंसान कभी घर पर थे ही नहीं, ये इंसान उस औरत के साथ में थे, नाम का था मेरा और उनका साथ का, बाकी वो घर पर नहीं रहते थे। मेरे तीनों बच्चों को, मेरे 2 लड़का एक लड़की जो होके ख़त्म हो गई है, तीनों बच्चों को मैंने बाथरूम में जन्म दिया, मैंने खुद से खुद का डिलीवरी किया है। अब अगर कोई मुझे बोले ना कि किसी औरत का डिलीवरी है तो मैं कर सकती हूँ, उनका हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद ने खुद का डिलीवरी किया है, क्योंकि पति साथ देते नहीं थे, घर वाले मेरा कोई है नहीं,
किसका दोष दूं मैं, जब खुद का पति जीने मरने का साथ निभाने का कसम खाया, जब वो प्रेग्नेंट हालत में भी मुझे छोड़ के 8 महीने 9 महीने लग गया, वो उस औरत के साथ रहते थे, मेरे पास नहीं रहते थे, मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता था, क्योंकि किसी का भी पति अगर मतलब 9 महीने के प्रेगनेंसी में हालत में छोड़ के किसी और औरत के साथ में जाकर रहने लगे, A to Z काम करने लगे, घर पर खर्चा नहीं देने लगे, तो उस प्रेग्नेंट औरत की दिमाग में और दिल में क्या हालत होगी, बस ही वो ही महसूस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। ऊपर से देखने में भले ही वो हेल्थी या फिर मतलब पता नहीं कैसे दिखते होंगे, मतलब खुशनुमा दिखते होंगे, लेकिन अंदर की जो स्थिति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जानता है, कि तो वही इंसान जानती है। वो इंसान संडे को घर आना चाहता है, अरे किस लिए मुझे घर आने की जरूरत पड़ रही है, तुम आओगे? अब पिछली बार आए थे, जब लास्ट बार बुलाई थी तो आए, अपना क्या नाम है, 2-4 रुपए की एक छोटा सा केक का पीस ले आए थे जो बच्चों ने खाया था। अगर आने से पहले वार्निंग दिया था मुझे कि ना मैं अगर घर पे आऊँ तो मेरा वीडियो मत बनाना, ठीक है, नहीं बनाई। अगर मैंने उनके बारे में वीडियो बनाकर बोल दिया, उसमें उस बंदे ने मुझे कई सारे वार्निंग दिए थे, कई सारे धमकियाँ दी है, आदमी घर पर भेजने लग गए, तो फिर क्या मतलब है आने का? और तुम जब आके रहोगे नहीं, बच्चों के सामने आओगे, बच्चे रोता रहेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक, बच्चे बोलते रहेंगे कि मम्मी आज क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए, कल ऐसे क्या बात हुई थी, कल आए आज क्यों नहीं आए, बहुत सारे सवाल होता है जिनका मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। बच्चे रात रात दिन दिन भर रोता रहता है, बिस्तर में तक पड़ जाता है, बीमार तक पड़ जाता है रोते रोते, खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, तो तुम्हारा एक दिन यहाँ पे आके फोटो खिंचाने का कोई मतलब है नहीं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रखना रिश्ता। अगर तुमको साथ रहना है परमानेंटली, यानी पूरी तरह से अगर साथ रहना है, तुम पूरा खर्चा उठाओगे घर का, सब कुछ, मेडिसिन, जब मुझे चाहे कितने भी रुपए का जरूरत पड़े, चाहे मुझे दवाई अगर 50,000 रुपए का चाहिए तो तुमको वो अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर तुम कर सकते हो तो तुम लिखा पढ़ी करके आ सकते हो, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जय श्री राम की, अपना रास्ता अलग कर लो। मैंने कल भी तुमको यही बोला था कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, समझौता करने के लिए इसलिए तैयार हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मैंने दिल से उस फीलिंग को निकाल दिया है और मैं अकेले खुश हूँ, खुश हूँ, चाहे मैं किसी भी हाल में हूँ, कैसे भी हूँ, खुश हूँ। बस फिलहाल मेरे सामने जो है फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा खराब है, वो हो जाएगा थोड़े दिनों में, भगवान ने चाहा तो सब कुछ होगा, वो कहते हैं ना अंधेरे के बाद में रोशनी होती है, तो मेरे साथ इतना बढ़िया और इतना मतलब प्यारे प्यारे YouTube फैमिली है, उनका सपोर्ट है, जो मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे यकीन है उनके बातों पर कि हाँ बहुत जल्दी हो जाएगा। बस छोटू के थोड़ा सा बड़े होने की देरी है, वो जब 5-6 साल का हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मुझे इस तरह से टॉर्चर सहने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं, नाम ये है कि हम पति पत्नी है, एक छत के नीचे रहो, वो उस रूम में रहे, बाहर वाले रूम में, मैं इस रूम में रहूं, तो का मतलब वाली बात नहीं है। और रही बात आप लोगों का, कुछ जो हेटर्स होंगे उनका ये सवाल होगा कि जब तुम लोग उस रूम में वो सोता था, तुम इस रूम में सोती थी, तो फिर बच्चे कैसे हुआ? हर रिश्ते के पीछे, हर झगड़े पीछे, हर वजह के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन हर बात, हर वजह को सोशल मीडिया पर नहीं बताया जा सकता, बहुत सारी वजह है, और ये वजह जो किशोर शर्मा है उसको अच्छी तरह से पता है क्या सच है क्या झूठ है, तो हर बात को तो खुलकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर हकीकत है, क्योंकि जो इंसान बाहर, मान लीजिए अभी YouTube पर जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कोई अनमच्योर नहीं होंगे, 18 साल से कम एज का नहीं होंगे, जो इंसान बाहर अपना A to Z ख्वाहिश पूरा करके आएगा तो घर में आके क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, लेकिन समाज, दुनिया, खुद की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, सब कुछ सोचकर अगर एक औरत उस रिश्ते को आगे बढ़ा रही है ना, तो भी अगर वो इंसान नहीं आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहता है तो फिर उस रिश्ते के पीछे भगना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। मैं समझ गई हूँ वो इंसान एक तरह से प्ले बॉय है, जो लड़कियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और वो इंसान कभी अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करता है, वो हमेशा बहन का दिमाग, भाई का दिमाग, दोस्तों का दिमाग, पड़ोसियों का दिमाग, और अगर राह चलते भी मिल जाए उसका भी दिमाग का यूज़ करता है। यानी कि कोई अगर बोल दे यार तुम्हारी बीवी मोटी है, उस बंदे ने मेरे साथ कभी फोटो नहीं खिंचाया, खिंचाया बहुत कम, वो भी ज़बरदस्ती के साथ में, क्योंकि मैं मोटी हूँ इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, मैं उसे भैंस की तरह दिखती हूँ, कहते हैं कंपनी में लोग मेरे बेइज्जती करते हैं क्योंकि तू बहुत ज़्यादा मोटी है। क्योंकि जैसे बच्चे का जन्मदिन आया था एक बार, तो मैंने उन्हें कहा था कि ना चलो हम एक साथ मिलकर फोटो खिंचाते, तो उसने बोला कि तू उधर दूर हट जा, तू फोटो खींच ले और हम तीनों का खींच ले, यानी बच्चे, दो बच्चे और उनका। तो मैंने कहा क्यों, हम तीनों एक साथ खींचते हैं ना,
तो कहता है नहीं तू बहुत मोटी है, अगर तू मेरे साथ फोटो खिंचाएगी तो कंपनी में लोग है ना मतलब बुरा मान जाएंगे, देखेंगे बोलेंगे इसके औरत तो है ना भैंस की तरह है और ये तो इतना पतला सा है, बहुत ही ककड़ी सा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है अगर आपको बुरा लगता है तो मत खिंचाओ, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर मैंने फोटो खिंचाना उनके साथ में उस दिन से बंद कर दिया था। ये लगभग 2020-21 की बात है ना। तो एक इंसान को मेरे साथ फोटो खिंचवाने में शर्म आता है कि यार मैं उतनी बुरी हूँ क्या, मैं देखने में इतनी बुरी हूँ, मतलब इतना बेकार हूँ क्या, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ, तो मैं बुरी कहाँ से हुई, मैं खुद का फोटो एक बार नहीं हजार बार खींचती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ फोटो खिंचवाते वो नहीं माना करते हैं। तो जब मुझे इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना नहीं है तो फिर मैं उस बंदे को क्यों बुलाऊँ घर पर, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आस पड़ोस के लोग ये कहेंगे देख 2 साल बाद गए थे। आप समझ सकते हैं कि एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए अगर कोई भी इंसान गेट के अंदर आए तो चाहे वो पति क्यों ना हो, इतने साल बाद अगर आए तो लोगों के माइंड में क्या चलता है, आस पड़ोस में क्या चलता है, खुद का बदनामी होती है, खुद की बेइज्जती होती है। तो मुझे नहीं रहना, ना ही मुझे कुछ करना। मैं कल भी यही बोला था, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। और वो इंसान मुझे कहता है मुझ पर भरोसा कर ले, मैं तेरे को खर्चा दे दूंगा, मैं तुम पर खर्चा मांगने के लिए भरोसा कर लूँ, तुम मेरा खर्चा उठाओगे, मेरे बच्चे का खर्चा उठाओगे, मैं तुम पर भरोसा कर लूँ। इतने बुरे दिन आए मेरा। अब पहले के ज़माना और थे, यानी आज से 2-3 साल पहले की बात और थी। और भरोसा के बात तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लगती, शर्म आ जानी चाहिए तुम्हें कि तुम इस तरह से भरोसा के बात करते हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर ले। भरोसा है ना, इस जन्म में मैं और किसी पे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा 15 साल का रिश्ता टूटा है। मुझे पता है 15 साल में मैंने किसी पर कितना भरोसा किया था। भरोसा करके मैंने अपना बैंक अकाउंट दिया था, मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट दिया था, जो सब कुछ चूना लगाया उस बंदे ने। मेरे पास पूरा A to Z सबूत है, सब कुछ है, ठीक है। और मैं इस जन्म पर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मेरे दिलो दिमाग में बहुत ही गहरे प्रभाव पड़ा है इस रिश्ते के टूटने का, इस वजह से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। और आप लोगों को, यानी जो मेरे YouTube फैमिली है, एक बात सच कहूँ कि आज के टाइम पे मेरी दिल में, दिमाग में, लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना, मैं अपनी माँ तक को नहीं बताती हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपनी माँ तक को नहीं बताती हूँ, ना मैं अपनी बहन को फ़ोन करती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। मैं बस खुद का और दोनों बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। खुद का तो पता नहीं, लेकिन दोनों बच्चों को ख्याल रखने की कोशिश 101% करती हूँ। उसमें से एक चीज़ मैं ख्याल नहीं रख पाती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा दिन छोटा पड़ जाता है, पूरी रात छोटी पड़ जाती है। मुझे पता है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे लिए रात को 4:30 बजे से पहले, यानी सुबह कहते क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4:30 बजे से पहले मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ, और सुबह 6 बजे से मैं फिर से लग जाती हूँ, फिर से मैं रात हो जाता है, और ये मेरा डेली रूटीन है। तो मैं इस जन्म में और किसी पर भरोसा नहीं करूँगी, और मेरे दोनों बच्चों के अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ पाएगा। और वो बंदा अगर मेरे से समझौता करना चाहता है तो मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम समझौता कर लो, मेरे बच्चों को कुछ दे दो, और उसके बाद में जय श्री राम की, तुम तुम्हारा मैं मेरी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने छोड़ दिया। ये जो दिल है ना, दिल अंतरात्मा, उसमें से निकाल दिया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है। तुम ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गया, उसके बाद अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा, जाने के लिए बोल दूंगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होगी, ऐसा नहीं है। खुशी का बहुत सारे वजह होता है। अगर कोई एक कमेंट भी कर देता है ना, प्यार से दिल से एक कमेंट भी कर देता है ना, मैं उसमें खुश रहती हूँ। अगर कोई कमेंट से एक मोजी भी भेज देता है ना, तो मैं उसमें खुश रहती हूँ। मेरा जो दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा शांति रहता है। अगर कोई कमेंट का रिप्लाई भी कर देते ना, तो भी मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं जिस इंसान को, मतलब जो भी सब्सक्राइबर होता है या कोई भी होता है यूट्यूब फैमिली का, अगर कोई मुझे कमेंट करके किसी भी तरह से समझा देता है या कुछ भी करते हैं ना कॉमेंट करते, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और मैं उसी में ही खुश हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी थर्ड पर्सन की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, खास करके उस इंसान का जो मेरी बच्चे की इतनी मुसीबत में साथ नहीं दिया। तो हॉस्पिटल से जब निकली थी ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं और उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। पहले तक, हॉस्पिटल की पहले तक मैं उनसे संबंध रखती थी। संबंध का मतलब कि मैं बातचीत, फ़ोन करती थी, वो ना करते थे तभी फ़ोन करती थी, पैसा मांगा मना कर दिया तभी फ़ोन करती थी। लेकिन धीरे 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 अब मेरे दिल को जो है तसल्ली हो गई। अब मुझे नहीं पता कि आगे का फ्यूचर में मेरे नसीब में क्या लिख रखा है, लेकिन फ़िलहाल जो मन की हालत है मेरा, वो यही है, और ये बात सच है।
तुम्हारे मेरे घर पर आने से कोई संडे के दिन मैं कोई लड्डू नहीं बांट रही हूँ, ना मैं कोई भंडारा करा रही हूँ, ना भंडारा कराने वाली हूँ, ठीक है। तो ये फिजूल के है ना, तो फिजूल के फोन करके बार बार में ये मत बोला करो मैं आ रहा हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, अरे यार हाथ होती है, शर्म आना चाहिए। बोलते ना खुद का कोई इज्जत है कि नहीं है, वही बात है यार, खुद का कोई इज्जत है कि नहीं है। तुम किसी भी इंसान को फोन करके बोल रहे हो मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, अरे यार कौन सा घर है, घर बनाओ तो पता लगेगा कितना मेहनत लगता है, पैसा जोड़ो तो पता लगेगा कैसे जोड़ा जाता है, हिसाब रखो अपना खुद का पैसे का कमाया तो तुम्हें पता लगेगा कि कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना घर का दिया, कितने में घर बनाया। ऐसे घर कह देने से घर हो जाता है क्या? कोई घर घुर नहीं है, ठीक है। ये जो बच्चे हैं मेरे हैं, और मैं तुम्हें पहले भी बोला है तुम्हें बच्चा चाहिए कोर्ट में कस्टडी डाल दो, लेकिन तुम्हें है कि तुम्हें चैन नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी दिन में तुम्हें बात करने के लिए बहाना चाहिए होता है, तुम फोन मिला देते हो, मुझे मेंटली टॉर्चर कर लेते हो। लेकिन वो कहते हैं ना हर समस्या का समाधान होता है, तो हर समस्या का समाधान होता है, केस लगा है, एक केस में तुम्हारा ये हाल है। थोड़े से दिन में क्या बोली तुमको कि तुम मुझे समय दे दो, मैं तुम्हारा आज़ादी छीनूंगी, तुमने मुझे जितना टॉर्चर किया है मैं उसका जवाब शांति से प्यार से दूंगी। जितना दिए ना, सुने तो होंगे आप ना कि लड़कियों को अगर तुम कोई भी चीज़ देते हो वो डबल करके दे देती है, तो वही बात है, अगर चाहे प्यार दोगे तो भी वो डबल करके देगी, अगर खुशियाँ दोगे तो भी डबल करके देगी ब्याज समेत, और अगर नफरत दोगे तो भी वो डबल करके ही देगी, वो भी ब्याज समेत। तो मैं इतना जल्दी धीरज नहीं खोऊंगी, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं, तो मुझे हराने की अगर कोशिश कर रहे हो तो वो नाकाम रहोगे तुम। और रही बात घर पे आने की, अगर बिना कॉल किए मेरे घर पे तुम आने की कोशिश की तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं पास की जो थाना है उसमें परिबाधिका दी हुई है, और परिबाधिका का मतलब क्या होती है आप एक बार नेट पर सर्च कर लेना कि इंग्लिश में परिबाधिका को क्या बोलते हैं, मैं इतना ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, ठीक है, कि परिबाधिका का मतलब क्या होती है इंग्लिश में, और मैंने दिया है पास वाले थाने में उसका क्या मतलब होती है, उसमें क्या लिखी जाती है, किस तरह से लिखी जाती है। तुम पढ़े लिखे हो, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हो, अकाउंटेंट हो, तो आपको अच्छी तरह याद होगा, आपको भली भांति पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी बिना मर्जी के इस चौखट पर पैर रखने की कोशिश करोगे तो हाथों हाथ मेरे पास पुलिस का नंबर है, मैं कॉल कर दूंगी, तुम उसके बाद में जो होगा खुद जिम्मेदार होंगे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं होंगी। और ये मैं तुम्हें ऑन कैमरा बता रही हूँ, इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार पर देख लेना अच्छे से किशोर शर्मा, कि बिना मर्जी के अगर तुम मेरे घर पर आए तो मैं कॉल कर दूंगी पुलिस वालों को, और उसके बाद में जो आपके साथ होगा उसका जिम्मेदार खुद होंगे, मुझे आपका साथ का जरूरत नहीं है। लास्ट बार बोल रही हूँ, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ, ये नहीं कहूँगी 5 साल तक तुम किसी और रिश्ते में रहे, किसी और औरत के साथ में रहे, उससे मतलब हर तरह से तुम रिश्ता रखे, हर तरह से मतलब ए टू जेड रिश्ता रखे, उसके बाद में वापस आ गए मेरे पास में, तो ये जो 5 साल के अंदर बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ वो कौन बढ़ेगा, 5 साल के अंदर जो मेंटली टॉर्चर मैंने सहा वो कौन सहेगा, 5 साल के अंदर जो मेरा जिंदगी में लोग तबाही मचा दिया वो कौन करेगा भरपाई। तो इसलिए उस 5 साल का घाटा तुम भर नहीं पाओगे, तो भलाई इसी में है, तुम जहाँ हो खुश रहो, जिस रास्ते पर गए हो उसी रास्ते पर चलते रहो, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। और मैं हमेशा दूसरे के लिए भी यही कहती हूँ, आपके लिए भी कहूँगी, जिस रास्ते में निकले हो अम्मा के पास में उसी के बेटे को प्यार दो, उसी के बेटे को अपना बेटा मानो, पीछे मुड़कर मत देखो, घाटा तुम्हारा अगर आगे देखोगे तो भी है और अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो भी है, क्योंकि रास्ता है तुमने घाटे का सौदा का की है, पर घर आने की गलती मत करना मेरे से बिना पूछे, इसका क्या परिणाम होगा बोलकर भी नहीं बता सकती, और मैं इस सोशल मीडिया पर बोलना भी नहीं चाहती। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे।